दा से शेर दा वाटर फिल्ट्रेशन ले जे कंप्लीट ना दा दे वो टैंक ही दंदा दा दे क्या खराब है तो दा का एक पता के लगे दा वो प्रोसेसिंग कम की रिप्लेस कई हां दा टेंट सामान जी वो पिलर ही थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरा रब कहता है जब कोई बूढ़ा गुनाहगार मेरे दर पे रोता हुआ आए जिसके नाम आए आमाल में एक भी खूबी न हो सारी जिंदगी बगावत में गुजार दी शबाब का नशा था जवानी का गुरूर था दौलत की मस्ती थी बिरादरी और पार्टी की तरंग थी रगों में गर्म गर्म खून की रवानी थी बगावत में जिंदगी गुजार दी लेकिन अब जिंदगी की शाम हो गई आंखों से बिनाई चली गई कान से समात चली गई जुबान लड़खड़ाने लगी दिमाग शल हो गया कमर झुक गई हाथों पांव में लर्जा तारी हो गया बालों में सफेदी उतर आई बीमारियों ने यलगार कर दी मैदा कुछ हजम नहीं करता और सबसे बड़ा अलविया जेब खाली हो गई औलाद परवाज कर गई लोगों ने भी निगाहें फेर ली सारी दुनिया से ठुकराया हुआ ये बूढ़ा निशाने इबरत बनकर अल्लाह के दर पे आता है और खाली हाथ आता है अल्लाह के हुजूर आकर अश्क बहाता है कि तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ ये भी किसी किसी की किस्मत होती है कि वो अपने दर पे बुला ले तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ पर दरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी शर्म इतनी है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ इलाहुल आलमीन सजदे भी नहीं के सिफारिश के तौर पर पेश करूँ आहे भी नहीं तस्बीहात भी नहीं सदकात भी नहीं खैरात भी नहीं क्याम भी नहीं रकू भी नहीं हज भी नहीं उम्रे भी नहीं खाली हाथ आया हूँ और इस यकीन के साथ आया हूँ कि अगर तूने दस्तगीरी न की तो हलाक हो जाऊंगा देख अब दुनिया में से कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा सारे ताल्लुक टूट गए सारे रिश्ते छूट गए अब तेरे दर पे आया हूँ सवाली बनकर हारे हुए जर्नैल की तरह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे पैगंबर बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसे इसकी जिंदगी की किताब का एक एक वर्क मेरे सामने खुला हुआ है इसकी बगावतें भी मेरे सामने हैं इसका अकड़ना भी मेरे सामने है इसकी खताएं भी मेरे सामने हैं लेकिन आज मैं इसे मायूस नहीं करता मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि इसे ठुकरा दूं धुतकार दूं कि मुझे इसके सफेद बालों से हया आ जाती है पिशावर के रोशन जमीरों बेटे को बाप के सफेद बालों से हया नहीं आती लेकिन रब्बुल आलमीन को अपने बंदे के सफेद बालों से हया आ जाती है फरमाया वल बुकाउ इंदन नदामा एहसास नदामत में शर्मिंदगी में रोने वाले गुनाहगार के आंसू भी अल्लाह को बहुत पसंद है बगैर ताना दिए माफ करने वाला कौन ही की जर्ब लगाओ यहां के दरो दीवार को गवाह बनाओ कि आए अल्लाह हमने तुझसे किया हुआ वादा निभाने की कोशिश की है
गवाह बनाओ यहाँ के जर्रे जर्रे को, आवाज पहुंचाओ उन तक। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन, गुनाहगारों और खताकारों को ताना दिए बगैर माफ कर देने वाला कौन। ये एक दो त्रै चार पाँच छः कालम, एक दो त्रै अठारह कालम है। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया।